सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बचाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाए। हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब भाई अच्छे होंगे, जिंदगी खुशहाल और टनाटन चल रही। तो दोस्तों, आप भी मेरी तरह दिमाग से पैदल हो। आपने कभी ये सोचा कि मोटरसाइकिल को फोर गियर में डाल के, मतलब 1 2 3 फोर गियर में डाल के और फुल रेस दे के उठाने की कोशिश करें, क्या उठ पाएगी? क्योंकि दोस्तों, एक दो बंदा मेरे से जिद रहा था कि मोटरसाइकिल उठ जाती है फोर गियर में डालने बाद में। तो दोस्तों, तभी मेरे सहता दिमाग में तूफानी आइडिया, क्यों ना हम इसे प्रैक्टिकल करके देखें और सभी को बताएं उठ सकती है नहीं उठ सकती, इसके पीछे का साइंस क्या है। तो चलिए फिर फटाफट हम कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। तो अगर आप 18 साल से कम हो तो ये डिस्क्लेमर आपके लिए, 18 इयर्स स्मॉल चिल्ड्रन डू नॉट ट्राई एट होम, एंड माय पर्सनल ओपिनियन द ऑल पीपल ऑल डे लाइफ नॉट ट्राई। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इंग्लिश बोल गो पर देश यार गंवार छोड़ी हूं। चल चल ये शुरू करते हैं वीडियो। रोक 1 3 4। आपने देखा प्रैक्टिकल, हमने एक नहीं दो नहीं तीन बार ट्राई किया, फुल रेस में ट्राई किया। अब दोस्तों, मेरे दिमाग में भी एक कीड़ा था, उस बंदे के में भी था, और अगर आप सोचते थे तो आपका भी दिमाग से एक कीड़ा निकल चुका है। और दोस्तों, इसके पीछे का जो साइंस है ना, आपने कभी गियरों वाली साइकिल देखी है? सिंपल भाषा में बता, जो कि दोस्तों मैंने मुझे मिस्त्री ने बताया था कि इसमें रहती है गिरारी, एक गिरारी पहले गियर में रखते हैं तो छोटी गिरारी, सेकंड में थोड़ी बड़ी, थर्ड में थ्री, और इस प्रकार फोर में थोड़ी ज्यादा बड़ी। तो जैसे हम इसमें फोर गियर डाल देते हैं ना, सबसे बड़ी गिरारी जाकर चढ़ जाती है मेन इंजन की गिरारी पर, और जैसे हम फुल रेस देते हैं, इंजन तो जितना पहली गियर में घूमता है, पहला गियर लगा कर रखते हैं और जब रेस देते हैं इतना ही दम जब लगाता है, लेकिन जो बड़ी गिरारी रहती है वो सबसे ज्यादा घूमने की कोशिश करती है, जिससे इंजन दब जाता है और उससे मोटर बंद हो जाती है, नहीं आगे बढ़ पाती है। तो आज के लिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो, और दोस्तों ज़्यादा आपके पास टाइम है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ज़्यादा अच्छी लग गई है तो। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में उस घंटी बटन को जरूर दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी सारी वीडियो आने वाली, काफ़ी धुआंधार तोड़ फोड़गी ज़्यादातर वीडियो आएंगी। तो दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो मिलने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।